मैम यहाँ पे ना तो नाले साफ होते हैं, ना ही गलियां सारी भरी हुई हैं गटर से, कोई साफ ना तो कूड़ा वगैरह गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं आती है, और बच्चे बीमार हो रहे हैं इसी गंदगी की वजह से। अधिकारी नेता आते हैं, देख के चले जाते हैं, ये गंद सारा गंद भरो पड़ो, लैटरिन तिर रही है, सीवर भर रहा है, गटर भर रहा है, सब कुछ भर रहा है, कोई सुनवाई ना, बच्चा तबीयत खराब हो रही है, इधर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। डीडी वालों ने ये कहा था कि भाई आपको सुविधा मिलेगी, ना कोई सफाई हो रही है यहाँ पर, सिविल लाइन सारे भरे हुए हैं, ये कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। आज इलेक्शन पीरियड होएगा, एकदम फटाफट भागे चले आएंगे। नाम क्या बेटा आपका? रिजुई। आप रोज पानी यहाँ से भरते हैं? हाँ। पानी रोज आता है यहाँ? थोड़ी थोड़ी बूंदा पानी आता है। ये सीवर खुला हुआ है, जब तक कोई घटना दुर्घटना नहीं हो जाती तब तक ये सीवर बंद नहीं किया जाएगा। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं इसके आस पास में, पूरी गंदगी जमा है, खाई लग रखी है, नालियों में पानी भरा हुआ है, नालियाँ पूरी तरीके से जाम है। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं बापरोला में, यहाँ पर लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली में गंदगी, पानी की समस्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग परेशान होते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी ही एक और वाक्य हम आपके सामने आज लेकर आ रहे हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं लोगों की क्या कुछ समस्या है। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? अंजू नाम है मेरा। क्या कुछ समस्या है यहाँ पे? मैम यहाँ पे ना तो नाले साफ होते हैं, ना ही गलियाँ सारी भरी हुई हैं गटर से, कोई साफ ना तो कूड़ा वगैरह गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं आती है, और बच्चे बीमार हो रहे हैं इसी गंदगी की वजह से, भरा हुआ है गटर, भरे हुए हैं, मच्छर मक्खी बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं यहाँ पे, डेंगू मलेरिया फैला हुआ है, और कोई सुनवाई, कोई अधिकारी नहीं आता है, मीडिया वाले आके देख कर चले जाते हैं, अधिकारी नेता आते हैं देख के चले जाते हैं। यहाँ पे अभी तक किसी ने कुछ नहीं करवाया, कितने सालों से ये? ये कितने सालों से? सात आठ साल हो गए हैं ये। कोई कुछ नहीं, सात आठ सालों से गंदगी ऐसी है, ऐसे ही है। आते नेता लोग हाँ करेंगे लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। MLA रवि, वो है महेंद्र यादव जी है, और रविंद्र सोलंकी जी निगम पार्षद हैं यहाँ। कितनी बार अब तक यहाँ पर आए? एक दो बार आ चुके हैं। हाँ जी करेंगे करके चले जाते हैं। सात आठ साल में एक दो बार आए? आए तो कई बार है लेकिन कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही हमारी। बेटा सारा का पानी मुनी भर रहा है और बच्चे भी पड़ जाते हैं उरे, बताओ फिर कोई क्या करेगा? मारा मरगा से टपा नहीं जाता, पड़ जाते हैं हम, गिर जाते हैं। एक की तो पांसू आधे टूट गई, मुड़क चलेगी पैर में, क्या करेगा कोई? ये हाल है हमारे साथ में तो। ये गंद सारा गंद भरो पड़ो, लैटरिन तिर रही है, सीवर भर रहा है, गटर भर रहा है, सब कुछ भर रहा है, कोई सुनवाई ना, बच्चा तबीयत खराब हो रही है, इधर कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामधन। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हो? 8 साल हो गए यहाँ पे। अब समस्या कब से है ये, कब से गंदगी फैल रही है? ये तो शुरू से ही देखते हुए आ रहे हैं, समस्या तो कभी पूरी नहीं हुई इसकी, और अब 2 साल से तो सीवर बिल्कुल भरे हुए हैं, कोई आते ही नहीं है। सीवर भरे हुए हैं, इनको खुलवाते भी हैं हम पैसे दे के, जब भी फिर भर जाते हैं, कॉरपोरेशन का आदमी तो कोई आ ही नहीं रहा। कोई सुविधा नहीं है। DDA वालों ने ये कहा था कि भाई आपको सुविधा मिलेगी, ना कोई सफाई हो रही है यहाँ पर, सिविल लाइन सारे भरे हुए हैं, निगम पार्षद है रविंद्र सोलंकी, MLA महेंद्र यादव, ये कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। आज इलेक्शन पीरियड होएगा, एकदम फटाफट भागे चले आएंगे। देख लो ना कितना गंदा, आप ही देख लो कितना गंद पड़ा। जी बिल्कुल, आप दिखाइए कितनी गंदगी यहाँ पे है। रोज स्कूल जाते होंगे बच्चे तो कितनी मुश्किलें होती होंगी वहाँ से, गटर सीवर वहाँ देखिए कितनी गटर ज्यादा भरी पड़ी है, मच्छर पनप रहे हैं यहाँ पे, हर गली में देखा, ये बीमारी का घर है, हर गली में यही है भरा हुआ, सारा गंद भरा हुआ है। देखिए यहाँ पे बच्चे बीमार, गड्ढा कितना ज्यादा है यहाँ पे, बच्चे सारे बीमार हो रहे हैं, कहाँ तक उनकी इलाज कराई जाए, सारे जे गटर लेटरिन बाथरूम सारे गलियों में बह रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ तो ऐसे डाल दिया, इससे अच्छा झुग्गियों में सही थे। वोट लेने के टाइम पे आ जाते हैं, वोट लेने के टाइम पे आ जाते हैं कि हाँ हमें दे, वो कहेगा हमें दे वोट, लेकिन जब आप समस्या बताते हो तब नहीं आते, समस्या बताते आते ही नहीं है, फिर फोन करते हैं फोन नहीं उठाते हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे हमारी यहाँ पर गंदगी जो है, यहाँ पर समस्या जो है हमारी हल है यही पानी की और ये गंदगी की, यहाँ पर सिविल लाइन की यही गंदगी है। देखिए हर गली में अगर आप देख सकते हैं तो कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पे मौजूद है, कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पे फैली हुई है, मच्छर यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी बदबू आई हुई है यहाँ पे। इधर से सामने होके लो, देखो कितना
आ रहा है गंदगी मैम, ये जो गंदगी इतने सालों से हो रही है यहाँ पर, आज से दो साल से भी ऊपर हो गया इस चीज को, ना ही कोई साफ सफाई है, ना कोई देखने वाला है इस चीज के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, पीने के पानी के पास इतनी गंदगी है कि पानी कहाँ से पिएगा इंसान। इससे पानी से तो हमें 10 बीमारी बनेगी ना, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मच्छर पैदा हो रहा है दुनिया भर का, और बीमारी बन रही है। ना कोई नाली साफ हो रही है, ना कोई कूड़ा उठाया जा रहा है इस जगह से। हमारी तरफ से केजरीवाल आए या कोई भी आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मगर यहाँ की सुविधा भी तो करे कुछ। हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, मगर हमारे एरिया को जो मिल रखा है, हमें चाहे हमारी झुग्गी थी चाहे कुछ भी था, पहले तो खूब अच्छी जगह में थे हम लोग, यहाँ गंद में थोड़ी थे। ये गंद इतना है, इस गंदे से ज्यादा तो पहले झुग्गी ही अच्छी थी हम लोगों की। नीचे नीचे था महल दे दिया है देखने के लिए, और नीचे कूड़ा में रहो, इसीलिए तो भेजा है यहाँ झुग्गी से, यहाँ पे भेज दे कि यहाँ महल और नीचे गंदगी है, गंदगी है, नरक में खाओ पियो रहो, मच्छर से खूब मजा लो। देखिए कितना छोटा सा बच्चा यहाँ पे है, और कि कैसे यहाँ पे जाता होगा, कितनी मुश्किल इसको होती होगी, बीमार कितने ज्यादा बच्चे यहाँ पे हो जाते होंगे, कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं। उस समय लेटरिंग में गिर गए, जे मारे भला मलबा भरा है, तो जे घुटने में चोट लग गई, कमर में चोट लग गई, इलाज मेरी चल रही है, कहो तो मैं कागज दिखा दूं। जे घुटना टूट गया, चोट लग गई, कमर में चोट लगी, जे ऐसे मलबा में बताओ कोई घर से कैसे निकलेगा बताओ तुम। ना यहाँ पर कोई बस की सुविधा है, ना किसी चीज़ की सुविधा है, बाहर जाने के लिए भी रिक्शा करो बाहर निकलने के लिए, ना कोई स्कूल पास में है, ना कोई हॉस्पिटल पास में है। पहले छोटे छोटे बच्चों को कोई रात बिरात में कोई दिक्कत हो जाए तो वो भी दिक्कत है। दो दिन तक टंकी खाली रही है, पानी से इतना परेशान रहे बहुत ज़्यादा, पीने का पानी बिल्कुल नहीं था, किसी के अभी नहीं था, सब परेशान हो गए। गर्मी में बिल्कुल पानी नहीं आते हैं, हम सब पानी के बगैर बहुत तरसती हूँ। हाँ, जो नीचे के है जिसका काम करो, जो नहीं है जिसका 10 दिन ऐसी रहो, बिना नहाया धोया ऐसे ही रहो, गंदगी में पड़ा रहो ऐसे ही। जबकि हमें डीडीए के अफसर ने ये कहा था कि आप रहिए और पक्के पानी की सुविधा आपकी कराई जाएगी, कोई पक्के पानी की सुविधा नहीं हुई है, अभी तक नहीं सुनवाई हुई है, और तो और सीवर लाइन भरे हुए हैं, समझे गंदगी इतनी हो गई है जिसका कोई जवाब नहीं। ये सीवर खुला हुआ है, जब तक कोई घटना दुर्घटना नहीं हो जाती तब तक ये सीवर बंद नहीं किया जाएगा। यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, और आप देख सकते हैं ये सीवर किस तरीके से खुला, साथ ही इसके आसपास में गंदा पूरी गंदगी जमा है, काई लग रखी है, नालियों में पानी भरा हुआ है, नालियाँ पूरी तरीके से जाम है। इस पास में ही पानी की टंकी है, पानी की टंकी से यहाँ से लोग पानी भरते हैं, आसपास में देख सकते हैं कितना गंदगी है और पानी भरा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, लोग यहाँ से पानी भर रहे हैं। देखो एक छोटी सी बच्ची पानी भर रही है। नाम क्या बेटा आपका? रुई। आप रोज पानी यहाँ से भरते हैं? हाँ। पानी रोज आता है यहाँ पर? थोड़ी थोड़ी बूंदा पानी आता है, थोड़ा थोड़ा पानी आता है। और ये गंदगी जो है, इसके बारे में बताओ, ये गंदा कैसे होता है? आप लोग कूड़ा करते हैं यहाँ पर? नहीं नहीं करते हो? तो आपको अच्छा लगता है इस गंदगी में रहना, अच्छा लगता है? नहीं नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से लोग परेशान है। अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर वादे तो बहुत से कर दिए, दिल्ली को साफ सुथरा करेंगे, लंदन बना देंगे, लेकिन यहाँ पर आकर कभी देखा है कि किस तरीके से बच्चे स्कूल जाते होंगे इस गंदगी में, किस तरीके से बच्चे यहाँ पर रहते होंगे? क्या आप एक बार भी यहाँ पर आकर देख सकते हैं? आप एक सेकंड भी यहाँ पर नहीं रुक सकते, इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर है, बदबू आती रहती है। 5,000 परिवार यहाँ इस गंदगी में रहने को मजबूर हैं। यहाँ के MLA महेंद्र यादव और निगम पार्षद रविंदर सोलंकी हैं। एक बार आप यहाँ पर आके देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर है, गरीब कैसे यहाँ पर रह रहे हैं। देखते रहें झलको दिल्ली।